परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मात्र सहायता किया है। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनकर आप में से बहुत सारे लोग आशीष पाया है। आप में से चिट्ठी के द्वारा, फोन के द्वारा हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। बहुत खुशी का बात है कि इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाने में परमेश्वर ने हमको इतना समयों से परमेश्वर मदद कर रहा है। और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आप हमारे लिए इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें ताकि हम बहुत सारे लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचा सकें। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसा एक विषय के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। आज मेरा प्रचार का जो विषय है, आशीषों का वर्षा, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, आशीषों का वर्षा। परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। एजकियेल एहसगेल 34 का उसका 26 में ऐसा लिखा हुआ है, और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी का आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेघ को और ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों का वर्षा होगा। परमेश्वर अपना लोग, इसराइली लोगों को ये वायदा देते हैं, मैं सही समय पर अपना लोगों को मैं आशीष दूंगा, उनका जीवन में कार्य करूंगा, उनका जीवन में रास्ता खोलूंगा, और मैं आशीषों को वर्षा दे दूंगा। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और हमको आगे ले जाने के लिए उनका तमाम वायदा, उनका तमाम योजना हमारे लिए वो बनाते हैं। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा जीवन में इसी प्रकार का मुसीबत आए, परेशानी आए, मुसीबत में हम फंस जाए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, हमारा जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारा खुशियों को देखना चाहते हैं, क्योंकि वही सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हम सबको बनाने वाला तो वही है। आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ उनको लिए बना कर दिया था। यहोवा यिरे, सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों का सुख चाहते हैं, अपने बच्चे अच्छे जीते हुए वो देखना चाहते हैं, इसी प्रकार सर्वसृष्टि करने वाला सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर हमारा खुशियों को जानना चाहते हैं, हमारे आशीषों को वो देखना चाहते हैं। और जब भी लोग हमारा खिलाफ बोलते हैं, हमारा विरोध खड़ा होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होकर हमको आशीष देना चाहते हैं। और इसराइली लोगों के बीच में एक भविष्यवक्ता था, उनका नाम बिलाम। और वो भविष्यवक्ता ने क्या किया, इसराइली लोगों के खिलाफ भविष्यवाणी करने लगा। और किसी राजा ने बोला कि मैं तुमको धन दूंगा, मैं तुमको पद दूंगा, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, मेरा राजा राज्य का सब कुछ मैं तुमको दूंगा, बस एक ही एक काम करना, तू जाकर इसराइलियों को, परमेश्वर का लोगों को श्राप देना। और यह लिखा हुआ है व्यवस्थावरण 23 का 5 में। और परंतु और ये परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरा निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। परमेश्वर कहते हैं, बिलाम मेरा लोगों को ऊपर श्राप करने के लिए कोशिश किया, इसराइलियों को ऊपर श्राप देने वाला एक भविष्यवक्ता, लेकिन परमेश्वर वहां क्या करते हैं, मैं मेरा लोगों से प्रेम रखता हूं, मैं मेरा लोगों से प्यार करता हूं, इसलिए उनका जो श्राप को मैंने क्या किया है, आशीष का तौर पर पलटा है, आशीष का तौर पर बदला है। विरोधी चाहते हैं कि हम हमारा जीवन में सत्यनाश हो जाएं, हमारा जीवन में हम हर समय मुसीबत में, परेशानियों में फंस जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुख में, शांति में, आशीष में हम रहना परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक आशीष का वर्षा आ रहा है। भाइयों बहनों, आज का यह संदेश एक भविष्यवाणी का संदेश है। आज यह वचन मैं आपको देकर, आपका परिवार में एक आशीष का संदेश होकर देना चाहता हूं। क्या है आज का वचन? एक आशीष का वर्षा आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका बच्चों का जीवन में, आपका सेवकाई में, आपका बिजनेस में होने जा रहा है। क्या आप तैयार है इस आशीषों का वर्षा को प्राप्त करने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार है? ओ, आज परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में कार्य करें। बाइबल में हम एक आदमी के बारे में देखेंगे, उनका नाम एलिया है। याकूब का पत्री 5:17-18 आयत में, एलिया भी तो हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न वर्षे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं वर्षा। उसका 18 आयत में, याकूब का पत्री 5:18 में, फिर एलिया ने प्रार्थना किया, आकाश से वर्षा
वर्षा हुई और भूमि फलवंद हुई। और यहाँ इसका अगर कहानी जानना चाहते हो हम जाना पड़ेगा और पहला राजा उसके जो 17-18 आयतों में और इसका बारे में हम देख सकते हैं वहाँ। और इसराइल का राजा आहाब राजा परमेश्वर का खिलाफ था। इसबेल और आहाब राजा परमेश्वर का लोगों को बहुत मुसीबत में परेशानियों में फंसाना चाहता था। परमेश्वर का दासों को मारते पीटते परमेश्वर का कलीसिया को समाप्त करने के लिए वो आगे निकला था। इसलिए परमेश्वर का दास एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु ये कोई भी लोग आगे आपको प्रार्थना आराधना नहीं करते हैं, इसलिए इनका जीवन में ऐसा मेह ना वर्षा, ऐसा बारिश ना हो। क्या हुआ? 3.5 साल तक उस देश में वर्षा नहीं हुआ, उतना अकाल हुआ और उनका खेती कुछ भी नहीं हुआ और लोगों का जीवन में बहुत प्रकार का समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारियां, पानी का समस्या। हम देख सकते हैं कि अगर 3.5 वर्ष तक अगर बारिश नहीं हो रहा है कितना समस्या हो सकते हैं। लेकिन वहां और लोग परमेश्वर का खिलाफ था, परमेश्वर का विरोध था, तभी परमेश्वर एलिया का प्रार्थना सुना और 3.5 वर्ष। हमारा भी शायद इस जीवन में, शायद पिछले दिनों में आपका भी जीवन में सुखी हुई 3.5 साल का जो अकाल जैसे समय शायद आपका जीवन में आप अनुभव कर रहा होगा। शायद आज आपका परिवार में इसी प्रकार का बातें, आप शायद आर्थिक तौर पर इसी प्रकार का बातें, सुखी हुई अवस्था, कोशिश तो करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन काम नहीं चल रहा है। आप सब कुछ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, नई ड्यूटी कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अकाल, समस्याएं, परेशानियां इसराइल का जैसे। लेकिन आज एक संदेश, शुभ संदेश, आज एक आशा का संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन को बदल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन को आशीष दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी अगर आपका जीवन को हालेलुया बदल गया, आशीष दिया, आप एक चमत्कार का तौर पर बदल सकते हैं। और यहां अकाल का समय खत्म होने जा रहा है। अभी याकूब का पत्री में मैंने देखा 5:18 में फिर से एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु अभी बारिश हो तब मैं से। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक बारिश को उनका ऊपर भेजा और बहुत बड़ा फल वहां आया। अगर आपको लग रहा है कि आपका भी जीवन में इसी प्रकार 3.5 साल का जो अकाल उस इसराइलियों का बीच में, आपका भी जीवन में शायद पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 6 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा कर्म में क्या हो रहा है, हमारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, इतना सारे परेशानियां, मुसीबत, अकाल, ये 3.5 वर्ष का अकाल। हमको क्या करना पड़ेगा इस परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने के लिए? क्या करें हम? कैसे इस आशीषों का वर्षा हम हमारा जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, बरकत देना चाहते हैं, हमारा काम में आशीष देना चाहते हैं, हमारा सेवकाई को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा परिवार को आशीष देना, हमारे बच्चों को प्रभु आशीष देना चाहते हैं, हमारा जीवन को बदलना चाहते हैं। लोग आपको देखकर कहने जा रहा है कि ये कैसे हुआ, ऐसा चमत्कार परमेश्वर आपका जीवन में जरूर करूंगा। इस आशीष का बारिश, इस आशीष का वर्षा अपना जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले है हमारा पापों को कबूल करो, हमारा पापों को मान लो और पश्चाताप करो। नीति वचन 28 का उसका 13 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रहता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनका मान लेता है और छोड़ भी देता है और उस पर दया की जाएगी। अगर कोई अपना पाप को छुपा कर रखते हैं, मानते नहीं है, उसको कबूल नहीं कर रहा, उसको पश्चाताप नहीं कर रहा है, वो पाप करते जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं होगा। उसका जीवन में इसी प्रकार का समस्या बने रहेंगे, अकाल बने रहेंगे, इस परेशानी कंटिन्यू होते जाएंगे। अगर आप आजाद पाना चाहते हैं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अपराधों को छिपाना नहीं, आप परमेश्वर का पास ले आकर बोलना, प्रभु मेरा जीवन में इसी प्रकार का समस्या, पाप और गलतियां हैं, आप मुझको माफ करना, मैं इसको छिपाना नहीं चाहते हैं, आपका सामने कोई भी बातें मैं छिपा नहीं पाएगा, प्रभु जी मैं इस बात को आज मान लेता हूं, आपका सामने मैं पश्चाताप का साथ आपका सामने हूं, प्रभु यीशु मुझको क्षमा करना और मुझको आशीष देना, और अपने पापों का रास्ता को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात यही अगर आप कर सकते हैं, भाइयों बहनों आपका जीवन बदल सकते हैं,
आपका जीवन में परमेश्वर आशीष दे सकते हैं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका जीवन को बदले। और यहां हम देख सकते हैं कि अपने पापों से हमने मुक्ति पाना है, अपने पापों से हमने छुटकारा पाना है। और दूसरा इतिहास 7:13-14 में हम देख सकते हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। परमेश्वर कहते हैं अगर आप अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, ये परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आकाश को बंद करे तो वर्षा नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमारा पश्चाताप को, हमारे पापों को पश्चाताप करें तो क्या होगा, परमेश्वर आकाश को खोलेगा, वर्षा होगा। तब यदि मेरा प्रजा का लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन कर प्रार्थना करें और मेरा दर्शन का खोजी होकर अपना बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप को क्षमा करूंगा और उसका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उसका देश को मैं चंगाई करूंगा। दूसरा इतिहास 7:14 आप जरूर कर में इस बाइबल को आयत को निकालकर पढ़ना। बोला कि यदि मेरा प्रजा का लोग मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरा कोज होकर अपना बुरी चाल को फिरें, अपना पाप स्वभाव को छोड़ दें, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको पापों को क्षमा करूंगा। भाइयों बहनों, अगर आशीष का वर्षा आपका जीवन में आना चाहते हैं, छोटा वर्षा नहीं, छोटी सी बारिश नहीं, एक बहुत बड़ी आशीष का बारिश आपका जीवन में चलते रहेंगे, कितना आशीष पाएगा। हालेलुया, सूखी हुई भूमि पर बहुत बड़ा आशीष का वर्षा आते हुए हम देख सकते हैं। सबसे पहले है अपना पापों को कबूल करो, जो छोड़ना है छोड़ दीजिए, क्योंकि चालाकी शैतान हमारा जीवन को समस्या में फंसाना चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि हम खुश हो जाएं, वो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन में हम आगे जाएं, वो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन में हम आशीष पाएं, वो चाहते हैं कि हर समय हम ऐसा मुसीबतों में परेशानियों में फंसते जाएं। और दूसरा बात हमने क्या करना पड़ेगा, और दूसरा है हमें वर्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। याकूब 5:18 में फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंद हुई। 3.5 साल का बाद जब एलिया फिर से प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, प्रभु अभी बारिश होना है और हमारा ये भूमि फलवंद होना है। जैसे प्रार्थना किया तो क्या हुआ, वहां परमेश्वर ने बारिश को भेजा और पूरा इसराइली जो देश का जो भूमि है और फलवंद हुआ है। 3.5 साल का अकाल अभी खत्म हो रहा है। एलिया ने क्या किया भाइयों बहनों, प्रार्थना किया। आज प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। अगर आपका जीवन में आपको लग रहा है कि मेरा जीवन में अकाल जैसे, परेशानी जैसे, मुसीबतों जैसे, इससे मैं बाहर आना चाहता हूं, एक अशांति मेरा जीवन में, मेरा परिवार में है, सबसे पहले अपने पापों को आपने कबूल किया, दूसरा बात आपने क्या किया, अभी प्रार्थना करना शुरू करना, पति पत्नी बच्चे साथ बैठकर प्रार्थना करना, प्रभु हमारे परिवार में आशीषों का वर्षा हो। कलिसिया में पास्टर और विश्वासी साथ बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु हमारे कलिसिया में आशीषों को वर्षा हो, आशीषों का बारिश हो, हमारे विश्वासियों का घर में आशीषों का बारिश हो, क्योंकि वहां कोई कमी कटी न रहे, वहां कोई कमजोरियां समस्या मुसीबत न रहे, हम सबका घर में प्रभु आपका आशीष बने रहे। ये बहुत बड़ी एक प्रार्थना है, आशीषों का वर्षा के लिए प्रार्थना करना। क्या आपने कभी प्रार्थना किया, अगर नहीं किया आज प्रार्थना करें, प्रभु मैं एक छोटी सी बारिश के लिए नहीं, आशीषों का वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आत्मिक आशीषें, आर्थिक आशीषें, शारीरिक आशीषें, सामाजिक आशीषें, आशीषें कलिसिया में, आशीषें बिजनेस में, आशीषें परिवार में, हर जगह में प्रभु एक आशीषों का वर्षा मेरा जीवन में हो, ताकि मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनूं, ताकि मेरा परिवार के लिए, मेरा माता पिता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मैं एक आशीष का कारण बनूं, मेरा द्वारा वो लोग आशीष पाएं, मेरा द्वारा मेरा पड़ोसी आशीष पाएं, मेरा द्वारा मेरा कलीसिया आशीष पाएं। आशीषों का वर्षा जब आपका पास आएंगे, आप दूसरों के लिए बहुत बड़ी एक आशीष का वर्षा हो सकते हैं। अगर आपका पास है नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आपका पास है तब आप दूसरों तक दे सकते हैं। भाइयों बहनों, आशीषों का वर्षा के लिए है, दूसरा प्रार्थना करना है, प्रार्थना आशीषों का वर्षा के लिए। तीसरा है हमें बारिश के लिए तैयार भी रहना है। प्रार्थना तो किया आपने, प्रार्थना कर छोड़ना नहीं, अगर आपने प्रार्थना किया उसको तैयार रहना। एक परमेश्वर का दास था, उनका कहानी मैंने सुना है, और बहुत अच्छा एक प्रार्थना योद्धा था।
एक सुबह अपना परिवार का साथ बैठकर उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि उस समय इतना गर्मी का मौसम था, जून महीने, इतना गर्मी, 45-46 तक गर्मी, और उनका गांव में बिजली का समस्या भी था। इसलिए उन्होंने परिवार में कहा, देखो आज हम प्रार्थना करने जा रहा है, हम जानते हैं हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनते भी है, आज हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सारे लोगों ने प्रार्थना किया, पत्नी भी बच्चे भी, ये परमेश्वर का दास, सारे मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना किया। और सुबह प्रार्थना करने के बाद वो जा रहा था किसी कार्य में प्रार्थना के लिए, अपने बेटी से कहा कि छाता ले आओ, क्योंकि मैं छतरी ले जाना चाहता हूँ। बेटी ने उनसे पूछा, पापा इतना गर्मी का मौसम है तो ये छाता का क्या करना है आपने? पापा ने बोला, बच्चों अभी हमने प्रार्थना क्या किया था, बारिश के लिए, बस बारिश के लिए हमने प्रार्थना किया, हमने तो तैयारी भी तो करना है, ऐसे नहीं कि हमने प्रार्थना किया उसको छोड़ दिया। तो बच्चों ने छाता ले गए और पापा को दिया, पापा छाता लेकर चला गया और पापा छाता लेकर आया। हमें से बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कितना उसको ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं प्रभु आशीषों का बारिश हो, लेकिन उसका तैयारी भी तो कर लो, उसका एक्शन में आप परमेश्वर का उस प्रार्थना का, उस विश्वास को आप मजबूत कर लो, एक्शन के लो, तैयारी कर लो। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, तभी आपका प्रार्थना का फल मिलेगा। तो हमें बारिश के लिए प्रार्थना तो करना है, साथ साथ उसका तैयारी भी तो करना है। अगर आपका चर्च में अभी आप 50 लोग आते हैं, आप 100 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन 50 लोग आने का उसी जो कमरा है, आपका कमरा में सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु 100 लोगों को भेज दे। प्रभु आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैंने 100 लोगों को भेजा, कहां बिठाएगा तू? सबसे पहले उसकी तैयारी तो कर, तुम्हारा सीमाओं को तो बढ़ा, उसका प्रावधान तो कर। देखो ना, प्रार्थना तो अच्छा है, आशीषों का वर्षा के लिए प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसका तैयारियां क्या कर रहा है, हमने क्या क्या एक्शन हम कर रहा है उसके लिए? या शैतान आकर उसी पूरा संदेश, वो संदेह, डर, वो सारे बातें हमारा दिल में ले आते हैं, बस ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये कैसे हो सकते हैं, ये सारे सवाल हैं। प्रार्थना तो कर रहा है, फिर भी हमारा गवाही में, हमारा प्रचार में, हमारा दूसरे से बात करने का समय, ये सारे सवाल हैं हमारा जीवन में आते हैं, तो तुम्हारा प्रार्थना का क्या फल फिर? अच्छा सा प्रार्थना तो किया अपने आशीषों का वर्षा के लिए, अब क्या करना है? तैयारी करना है। क्या है तैयारियां? अभी एलिया आहाब से कहते हैं, देखो मैं एक बहुत बड़ा बारिश का आवाज सुन रहा हूं, तू खाओ पीवो, सेलिब्रेट करो, पार्टी बनाओ, क्योंकि एक बारिश आ रहा है, और यहां से उठकर चले जाओ। देखो ना, वो सारे बातें, पार्टी बना रहा है। आपने बारिश को देखा नहीं, आपने कोई चमत्कार देखा नहीं, आपका जीवन में कुछ हुआ नहीं, 3.5 साल तो अकाल अकाल में लोग परेशान हो रहा है, लेकिन प्रार्थना करने वाला एलिया कहते हैं अब पार्टी बना लो, बारिश जरूर आएगा। यही तो है विश्वास मेरा भाइयों बहनों। प्रार्थना के बाद आपने क्या करना है? तैयार रहना है, उस बात को सेलिब्रेट करना है। अगर आप प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जीवन में इतना ऐसा होना चाहिए, तो उसका ऊपर विश्वास करते हुए, उसका तैयारी करते हुए, उसको विश्वास करते हुए आपको बोलना भी तो है, मैंने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर जरूर मेरे लिए एक काम करेगा, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो मेरा जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब आप तैयारी के साथ उस बात को अंगीकार करेंगे, परमेश्वर उसमें प्रसन्न और खुश होते हैं। देखो, हमें बारिश के लिए तैयार भी रहना है, हमें बारिश होना चाहिए, विश्वास भी करना है कि ऐसा बारिश होगा, जरूर होगा, पार्टी भी बनाना है, तभी हमारा प्रार्थना का, जो विश्वास का साथ जो प्रार्थना हमने किया है, उसका फल हम जरूर देखेंगे। नीति वचन 10:22 में, नीति वचन 10:22 में परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलते हैं और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बहुत सारे लोगों के पास धन है, लेकिन वो धन दुख का साथ मिला हुआ है। धन आते हैं और धन उनको खुशी नहीं देते। पैसा है लेकिन जीवन में खुशी नहीं है। अमीर है लेकिन कोई शांति नहीं। उनका जीवन में बैंक बैलेंस है लेकिन कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि वो धन में दुख मिला हुआ है।
ये देखो ना नींद वजन 10:22 में धन यहोवा का आशीष से मिलते हैं। जो यहोवा का आशीष से धन मिलते हैं उसमें दुख नहीं होता, वो खुशी का आशीषों का वर्षा होगा। ओ आपका जीवन में प्रभु बहुत आशीष देंगे, हालेलुया, आशीष का वर्षा आपका जीवन में होगा। भूल जाइए पिछले दिनों में कैसे हुआ क्या हुआ, भूल जाइए आपका जीवन में किसी प्रकार का जो अकाल जो मुसीबत परेशानी आपका जीवन में आया, भूल जाइए। आज परमेश्वर ये भविष्यवाणी का संदेश आपसे बात कर रहा है, मैं मेरा तुम्हारा जीवन को आशीषों का वर्षा से भर दूंगा। ओ तुम्हारा बच्चों को मैं आशीष दूंगा, उनका स्कूल का एडमिशन का बारे में या उनका कॉलेज का उनका शादी का बारे में आप परेशान हो रहे हो, चिंता ना कर, मेरा पास आओ, मैं प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, आशीषों का वर्षा मैं बह दूंगा। धन्य होवा की आशीष से मिलते हैं, इसी प्रकार आशीष, क्योंकि वो हमको हालेलुया बदलने वाला आशीष देने वाला परमेश्वर है। भाइयों बहनों ये आशीष का वर्षा अगर आपने जीवन में पाना है, दिल से प्रार्थना करें, विश्वास करें, बोल दीजिए उस बात को ताकि उस जो बातें हैं आपका जीवन में पूरा हो। आपको पता है आशीषों का वर्षा आने से क्या क्या फायदा होगा हमारा जीवन में? सबसे पहले है, अगर जैसे सूखा हुआ भूमि है, इस खेत है, अगर इस सूखी हुई भूमि में अगर वर्षा हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, बहुत अच्छा बढ़ोतरी, और वहां हम जो बीज बोएंगे बहुत अच्छा खेती के तौर पर आएंगे और उसे फल आएगा और जो खेती का मालिक हो बहुत आशीष, बढ़ोतरी होगा आपका खेत में, बहुत सारे जो 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 अन्न है जो उपज है वहां बना रहा है, वो आप उससे आशीष पा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपका सीमाओं को फर देंगे, आपका बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाएंगे, आपका कलिसिया को परमेश्वर बढ़ाएंगे। बस आशीषों का बारिश होना चाहिए, जब आशीषों का बारिश होगा तभी आप बढ़ेंगे, बढ़ोतरी होगा। अगर आशीषों का बारिश नहीं है तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते, मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं एकदम जल्दी परमेश्वर आपको उठाए, आपको आशीष दें, आपको हर क्षेत्र में आपका हाथ में मुट्ठी फर कर प्रभु दें, ताकि हर क्षेत्र में सेवकाई में हर क्षेत्र में आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सबसे पहले बढ़ोतरी। याबेस ने क्या प्रार्थना किया था? प्रभु मेरा सीमाओं को बढ़ाना। आज ये प्रार्थना मेरे साथ आप करना, प्रभु मेरा सेवक सीमाओं को बढ़ाना, मेरा सेवकाई का सीमाओं को बढ़ाना, मेरा बिजनेस का सीमाओं को बढ़ाना, मेरा आशीषों का सीमाओं को बढ़ाना प्रभु, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाइयों बहनों, मेरा दर्शकों, परमेश्वर आपका सीमाओं को बढ़ाए, आपका सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाए, आपका जीवन को परमेश्वर हर प्रकार का बरकत और आशीषों से भर दे, कोई खम्मी कट्टी आपका जीवन में ना रहे। और दूसरा है अच्छी फसल। देखो पहले क्या होते थे, पहले कुछ भी नहीं होते थे, पहले वहां कोई आशीष नहीं होते थे, वहां कोई फल नहीं होता था, वो अन्न नहीं बचते थे, और वहां आप आशीषों का अच्छी फसल उस भूमि पर, इसलिए वहां हम देख सकते हैं कि हमने यहां पढ़ा था, हमने याकूब 5:18 में पढ़ा था, फिर से उसने एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंद हुई, और भूमि फलवंद हुई। और दूसरा बात, जो परमेश्वर का आशीषों का वर्षा आपका जीवन में आते हैं, अच्छी फसल आपका जीवन में होगा। और तीसरा है बहुत बेदारी होगा और प्रभु बहुत काम करना शुरू करेंगे, आपका जीवन को बदलेंगे, आपको परिवार को बदलेंगे, आपका सेवकाई को बदलेंगे, आपका हर प्रकार का जो जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे, आपको प्रभु आशीष देकर आपको आगे ले जाएंगे। भाइयों बहनों ये जो बातें हैं, तीन बातें, बढ़ोतरी, अच्छी फसल, बेदारी, आपका जीवन में परमेश्वर ले आना चाहते हैं। आपको खुद हालेलुया, आप एक साधारण विश्वासी हो सकते हैं, एक साधारण पास्टर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बदलते हुए जिस प्रकार पत्रस को और पौलुस को हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर संभाल करते हैं। प्रेरितों का काम 5:12 में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों का काम 5:12 में, और प्रेरितों का हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों का बीच में दिखाई जाते थे। देखो ना, आशीषों का वर्षा जब पंतकोस का दिन में हुआ, प्रेरितों का काम 2 में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा का वरदान और अभिषेक वहां आते हुए, आत्मिक आशीषों का वर्षा जब हुआ, वहां लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 5:12 में, प्रेरितों का हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों का बीच में दिखाई जाते थे। तो मैंने परमेश्वर का दास लोगों को परमेश्वर बहुत संभाल करते हुए, परमेश्वर आशीष करते हुए,
उनको उतना लोगों का बीच में, समरिया में, यहूदिया में, पृथ्वी को छोड़ परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया, क्योंकि वो आशीषों का बारिश उनका जीवन में आया। आत्मिक आशीषों का बारिश, आत्मिक अभिषेक का बारिश, परमेश्वर का आत्मा का बल, परमेश्वर का आत्मा का जो सामर्थ्य आपका जीवन में जब आते हैं, आप फिर साधारण नहीं बन सकते हैं। आप असाधारण परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का दास बन जाते हैं। आप कड़ा होकर प्रचार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन के द्वारा बात करते हैं, लोगों का जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक से सेवकाई करते हैं। आशीषों का वर्षा, आत्मिक आशीषों का वर्षा, क्या आप चाहते हैं कि आज एक आत्मिक आशीषों का वर्षा मेरा जीवन में भी हो? जिस प्रकार पेंतेकोस्त का दिन में परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया, परमेश्वर का लोगों को इस्तेमाल किया, ऐसा ही आज इस आत्मिक वर्षा आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका कलीसिया में हो, यीशु का नाम में आपका जीवन को परमेश्वर उस आत्मिक वर्षा से, इस आत्मिक बारिश से भर दे। उस अकाल पड़ा हुआ सारे खेतियों में यीशु मसीह का नाम में आशीषों का वर्षा हो। आपका जो रुका हुआ जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, बहुत समय से शायद, बहुत सालों से शायद आप इसी बातों के बारे में सोच कर परेशान हो रहा है, बहुत सारे जो बातें रुका हुआ आपके लिए, आशीष रुका हुआ है, आपको आशीषों का बारिश चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, द्वार आपके लिए खुल जाएं, आशीष आपके लिए खुल जाएं, रुकावट आपका सामने से निकल जाए, शैतान का बंधन टूट जाए, श्राप का बंधन हट जाए, पाप का बंधन टूट जाए, यीशु का नाम में। आज जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, ये वचन का सामर्थ्य आपका जीवन में इसी समय कार्य करें, आपका शरीर में परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आए, आप इसी समय अन्य भाषाओं में बात कर परमेश्वर का अभिषेक को जाने, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, उनका वचन दोधारी तलवार है, आपको बदलने वाला परमेश्वर का वचन, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक आज आपका जीवन में कार्य करे। भाइयों बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आशीषों का वर्षा वो देना चाहते हैं, आपका घर में आ रहा है, बहुत बड़ा एक आशीषों का, एक बारिश का आवाज सुन रहा हूं। हालेलुया, ये बात आप विश्वास कर लीजिए। आज अपने पापों से हालेलुया परमेश्वर के सामने हालेलुया पश्चाताप करते हुए आजाद पाए, प्रार्थना करें, तैयारी करें, बोले मुझको भी आशीषों का वर्षा चाहिए। क्या प्रार्थना करवाना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करें, अपना जीवन को समर्पण करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे। आज परमेश्वर आपका जीवन को बदल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, आशीषों का वर्षा के बारे में प्रभु आपका पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत किया। प्रभु हमारे गलतियों को क्षमा करना, हमारा जीवनों को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। ये आशीषों का वर्षा हमारा जीवन में यीशु का नाम है आज हो। हमारा सारे जो अकाल, जो समस्या, परेशानियों को हटाकर आपका आशीषों से हमको फर दे परमेश्वर। इस भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करके उनको आशीषित करता हूँ, उन सबको छूना, आशीष देना। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा उनको प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।